हे गाइस एंड ब्यूटीफुल पीपल्स हाउ आर यू होप यू आर फाइन आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट माय चैनल कंप्यूटर कोड सो लेट कैट स्टार्ट तो आज हमारा जावा का जो है सेकंड लेक्चर वो स्टार्ट होने जा रहा है तो इसमें आज की डेट में हम देखेंगे कि हम जावा पे हम किस तरह काम अपने इम्प्लीमेंट करते हैं और बेसिक कोडिंग करेंगे और वाया उसको हम डीबर्ग किस तरह करेंगे लेट सपोज मुझे कोई एरर देखने को मिलता है मैं उस एरर को किस तरह हैंडल करूँगा तो ये सारी चीज़ें तो मेरी ट्राई होती है कि कोड को बिल्कुल सिंपल वे में जो है आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोग भी कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर लें और उर्दू और हिंदी लैंग्वेज चूज़ करने का मेरा एक्चुअल में जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि जो मेरे जैसा बंदा है जिसको इतनी हाई फाई इंग्लिश नहीं आती इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करता वो बंदा भी ईज़ीली कोड को अंडरस्टैंड कर ले और लर्निंग कर ले और नेक्स्ट ये जो है कोडिंग की ये आगे एक इरा है आई थिंक कि ये नॉर्मल हर पर्सन को आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कोडिंग एक ऐसी चीज़ है कि हर पर्सन को आनी चाहिए ऐट लिस्ट ऐट लीस्ट इतनी तो आनी चाहिए कि आपको पता हो जो आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है वो किस चीज़ पर वर्क कर रही हैं वो क्या चीज़ है वो किस सैनैरियो पर कौन सी परमिशन ले रही है और उसका रीज़न क्या है इतना एटलीस्ट आप लोगों को पता हो तो सिंपल सा यहाँ पे मैं डी के अंदर चला जाता हूँ मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता तो, हूँ जावा कोडिंग के नाम से ओके okay. और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम ओके सेम है यहाँ पे मुझे एक वर्ड की फाइल चाहिए और उसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम या फर्स्ट फर्स्ट और टेक्स्ट और इसको ओपन करेंगे ओके okay. सबसे पहले इसका हम सेंटेक्स समझते हैं और क्या चीज़ है इसके सेन्टेक्स के बारे में हम देखते हैं इसका सेंटेक्स है मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करता हूँ जस्ट अ सेकेंड में इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इसी को भी मिनिमाइज कर देता हूँ ओके okay, ठीक है वेयर इज माई बुक्स हाँ सॉफ्टवेयर ये फ्लटर बुक्स है और ये जवाब बुक्स है ओके बिगनिंग प्रोग्रामिंग एंड स्टार्टिंग आउट फ्रॉम जॉब ये बुक है अगर आपको कहीं से पॉसिबिलिटी हो आपको हाँ नहीं ये नहीं ये है बुक सॉरी आई एम सॉरी ये मैं इतनी दूर ये बुक है स्टार्टिंग आउट विद जावा और ये आउट क्लास बुक है जावा को लर्न करने के लिए मेरे मुताबिक इससे बेहतर कोई बुक नहीं है ओके okay, तो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में जावा के बारे में तो दिस यानी कि जावा की पावरफुल लैंग्वेज है प्रीट है और प्रैक्टिकली है एवरी टू कंप्यूटर इट इज़ यूज टू जावा बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई ही इसी लिए गई थी जो सी है वो बेस वो जो है उसका कोड जो है एक कंप्यूटर पे चल जाता एक मशीन पे चल जाता था दूसरी मशीन में नहीं चलता था तो उन्होंने बोला कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हर तरफ चल जाए तो जावा एक ऐसे प्लेटफॉर्म इस पे बनी हुई एप्लीकेशन आप हर जगह चला सकते हैं आप आपके पास मैक हो आईओएस मैक हो विंडोज़ हो लिनिक्स हो आप जावा के पास आप जावा का आपके पास प्रोग्राम है आप उसको चला सकते हैं डॉट जार के साथ एक्सटेंशन होती है इसकी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपके पास अगर जावा इंस्टॉल ही डेट हो ओके okay, तो ये इसके बारे में है दिया कंप्यूटर को किस तरह हमने डिवाइड किया हुआ है जी इसको दो तरह यूनिट्स के कंट्रोल यूनिट है एक अरेथोमेटिक यूनिट है अरेथोमेटिक यूनिट जो है वो उसको कंपैरिजन कर रहे थे एक सिंपल सी मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने एक डेफिनेशन बनाई अगर कोई मुझसे पूछता है कि कंप्यूटर क्या है तो मैं एक सिंपल सी एक डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ कि कंप्यूटर तो एक वो चीज़ है जो चीज़ों को ऐड कर रही होती है माइनस कर रही होती है या कंपेरिजन कर रही होती है इससे ज्यादा कंप्यूटर मेरे मुताबिक कुछ नहीं है तो इसी चीज को अब हम देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं जी हिस्ट्री है ये जावा की कुछ ओके तो हिस्ट्री ऑफ जावा नाइनटी वन टर्म्स यानी कि इसको बनाया गया था जावा एप्लीकेशन एंड एपलेट्स वगैरह ये सारा

ऊप की तरफ मूव होंगे फिर आपको ये क्लास भी एक्सप्लेन की जाएगी पब्लिक स्टेटिक वाइड मेन और ये स्ट्रिंग ए आर जी एस से यहाँ पर स्ट्रिंग ए आर जी एस क्यों हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कुछ और क्यों नहीं यूज़ कर सकते ये जब हम ऊप की तरफ जाएंगे इस चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे ओके okay, तो पाइथन की तरह ये लैंग्वेज नहीं है ये थोड़ी सी डिफरेंट है पब्लिक क्लास ओके एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों ने रिमेम्बर रखनी है पब्लिक क्लास के बाद जो यहाँ पे क्लास का नाम आएगा आपकी टेक्स्ट फाइल का नाम डॉट्स जावा वो होना चाहिए इसका लेट्स सपोज मैं नाम रखता हूँ फर्स्ट लेक्च एल ई सी लिखता हूँ और ये मेरे ब्रैकेट्स ओके यहाँ पे कॉमिट जरा लाजमी अच्छा होता है और यहाँ पे मैं टैप रेस करता हूँ पब्लिक क्लास वाइड मेन और सेम यहाँ पे स्ट्रिंग ए आर जी एस और ये इसकी मेन ब्रैकेट ओके यहाँ पे इसको ये और ये हो जाएगा हमारा मेन ओके तो आप लोगों ने टेक्स्ट डिटेल इसका फॉर्मेट क्या रखना है फॉन्ट के अंदर आ जाना है यहाँ पे कुरियर न्यू बोल्ड और यहाँ पे साइज में ट्वेंटी टू रखा हुआ है तो आप लोग भी यही वाली सेटिंग कर लें क्योंकि ये सारा ये जो फॉन्ट है ये कोडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ओके okay. सो so, इसके अंदर प्रोग्रामिंग हमारे जो जावा का प्रोग्राम होगा इसके अंदर हमें चीज़ें प्रिंट करवाने के लिए यूज करना पड़ता है सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे ये और अगर लेट सपोज मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये दो कोटेशन मार्क्स और यहां पे मैं प्रिंट करूंगा हाय टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर और यहां पे मैं अप्लाई कर देता हूं सेमी कॉलम अब मुझे इसको सेव करना है अब मैं इसको फाइल को करता हूं सेव एस वहां पे आ जाएगा फर्स्ट डॉट नहीं मैंने आपको बताया था जो क्लास का नेम होगा वही इसका नेम होगा इसको मैं करता हूँ सारे को रिमूव फर्स्ट ई सी ओके यहाँ पे मेरे बटन का थोड़ा सा इशू है डॉट जावा और मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे जस्ट अ सेकंड जावा कोडिंग और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ये बन चुका है मैं इसको जरा दूसरी तरीके से ओके okay, अब मुझे क्या करना है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कर कर नींद नोट पैड के साथ ओपन हो जाएगा ताक जो भी इसके अंदर एडिटिंग करो वो मेरे साथ यहाँ पे अवेलेबल हो अब इसको रन करने का तरीका लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इसको अपने इंस्टॉल किस तरह करना है आज की डेट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको रन किस तरह करना है सबसे पहले CMD के अंदर आपके पास जो जावा है जावा सी लिखेंगे जावा सी लिखने के बाद फर्स्ट मैंने फर्स्ट का जो भी मैंने इसके दो फर्स्ट एक दो लेटर लिखे उसके बाद मैं दबाऊँ प्रेस करूँगा टैब टैब प्रेस करूँगा वो मेरे पास जावा आ जाएगा ठीक ऐसा करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम टाइम लेगा ओके क्लास वाइड मेन इसके अंदर मुझे इशू आ रहा है आ, मैं क्या मैंने इशू की इशू आ रहा है जी ओके पब्लिक क्लास नहीं आना था स्टैटिक आना था जो मैंने गलत किया सॉरी दिस इज माई मिस्टेक तो स्टैटिक अब ये स्टैटिक क्यों हम लिख रहे हैं इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं लिख सकते मेथड्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें मैं हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम इधर जावा के अंदर आगे ग्रो करेंगे और इसके अंदर हम चीज़ें देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि लेटेस्ट एडवांस चीज़ें जो हैं जावा से रिलेटेड वो आप लोगों को सिखाई जाए ताकि आप लोगों को अपने इसमें काम करने में ज्यादा मजा आए ओके okay, मैं वही कमांड दोबारा चलाऊंगा उसने क्या किया ये मुझे उसकी एक क्लास बना दी ओके okay, अब मैं देखता हूँ ओपन विद मोर ऐप मैं नोट में ओपन करता हूँ तो कुछ अजीब सा लिखा हुआ आ रहा है इनिट आ रहा है कुछ जावा प्रिंट स्टेटमेंट फर्स्ट टू आवर लेक्चर मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ ये एक जावा की क्लास है और इसके अंदर ये इसका सारा होता है काम ओके अब इसके बाद मैंने देखना कि फाइल के अंदर लिखा क्या हुआ है मैं दोबारा अगेन करूंगा जावा एफ आई आर करूंगा और टैप को प्रेस कर दूंगा अब मैं क्लास नहीं लिखूंगा क्लास नहीं डॉट जावा जैसे ही मैं ये करूंगा जावा तो वो लिखा हुआ हाई टूडे आवर फर्स्ट लेक्चर ओके तो दिस इज वेरी बेसिक कमांड जिस तरह हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड की जगह पे हमने ये लिखा कॉमेट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे डबल लगा देंगे तो ये हमारा कॉमेट आउट हो जाएगा एक्चुअल में नोट पैड पे काम करने का मकसद ये है कि आप लोगों को बेसिक कोडिंग आ जाए कोडिंग पे आपकी ग्रिप हो जाए मैं चाहता तो डायरेक्ट एडिटर भी यूज कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि जब तक आपकी इस चीज पे ग्रिप नहीं होगी डी आप इस चीज पे ग्रिप नहीं करेंगे मेरे अकॉर्डिंग कोई आप दूसरी लैंग्वेज पे भी आपको बहुत ज़्यादा इशू आने वाला है और सेकेंडली इस चीज़ पे काम करने से अगर आप एक दफ़ा एक्सपर्ट हो गए देन आप किसी भी एडिटर पे काम करें आपको उस आपको वहां पे थोड़ा सा इजी होगा लेकिन आपको कोड डी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है ओके okay, तो अब हम हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है मैंने वो प्रिंट लिख दिया था इसमें हम प्रिंट किस तरह करवाते हैं ये हम लोगों ने देख लिया ओके okay, अगर हम बुक प्रोसीजर को फॉलो करें तो इसमें कुछ जो है बाय डिफॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल के तौर पे नहीं ले सकते वेरिएबल्स क्या होते हैं इसकी भी मैं डेफिनेशन इसके बाद में आपको बताता हूं जिस तरह ये अब्सट्रैक्ट है बुलियन uh, है ब्रेक है बाइट है कैश एक है चार ये कॉस्ट फाइनल इनको हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते ठीक है वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या चीज होती है वेरिएबल्स की वेरिएबल वो चीज होती है एक समान यूनिट ऑफ मेमोरी यानी कि एक मेमोरी का यूनिट है जिसके अंदर टेम्परेरी हमारे पास जो डाटा होता है वो स्टोर होता है टेम्परेरी मीन अब लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम इज इक्वल टू मैं अपना नाम लिख देता हूं अब आप और सेमी ओके मैं टैप प्रेस करता हूं और इसके बाद मैं यूज करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैं प्रिंट करना है मैंने अपना नेम और कंट्रोल एस और ये एग्जीक्यूट उसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया अब लेफ्ट सपोज मैं यही नेम को दोबारा अगेन यूज करता हूँ इस वेरिएबल को मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं करूँगा यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ लेट्स सपोज मैं रजवान लिख देता हूँ सो आई यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैं अगेन वही नेम और सेमी कॉलन कंट्रोल एस ये थोड़ा सा गंदा गंदा हो गया इसको मैं सी एल एस करके क्लीन कर दूंगा और दोबारा ओके ओके लाइन नंबर फाइव पे आ रहा है ओके okay, रजवान के एंड पे मैंने सेमी कॉलर नहीं लगाया ये थोड़ा सा होता है अगर आप पाइथन की प्रोग्रामिंग के एंड पे हैं तो उसमें वो नहीं होता है लेकिन इसके अंदर ये चीज होती है ठीक है ओके okay, ये इसने पहले मेरा नाम प्रिंट करवा दिया और इसने ये रजवान प्रिंट करवा दिया अब इसके अंदर दो मैट एक नई लाइन पे जाने पे अगर यहाँ तो मैं एल कर दू तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट न्यू लाइन ठीक है इसको अब हम देख लेते हैं तो वो मेरा रजवान का काम उसने उसके नीचे प्रिंट करवा दिया ठीक है सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है ओके okay, नेम और यहां पे मैं प्लस करता हूँ और कंकैटिनेशन इसको बोलते हैं और यहां पे मैं बैक एन कर देता हूँ तो इस ये भी वही काम ही करेगी कोई डिफरेंट नहीं है तो इसने भी वही काम किया सो इट्स चॉइस यू आर आप प्रिंट एल एन यूज करते हैं या ये वाला मेथड यूज करते हैं ये आप लोगों पे डिपेंड करता है मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए तो दिस इज हमारा फर्स्ट लेक्चर ये आज के लिए इतना ही तो ये बेसिक थोड़ा सा इंटर इंट्रोडक्शन था कि हम अपनी बेसिक क्लास किस तरह बना सकते हैं जावा के अंदर हम काम किस तरह करेंगे क्या कौन से वेरिएबल्स होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बारे में बताऊँगा फिर हम उनको यूज करेंगे फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रूडेंगे उसको अब हम फिर जावा के साथ जो है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मेरे साथ बने रहिएगा जिन लोगों ने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब किया कैनली वो सब्सक्राइब कर दें इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए बहुत शुक्रिया